डॉक्टर सोनू जी, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर आपने जो व्याख्यान श्रृंखला शुरू की है, उसमें मुझे अवसर देने के लिए, चूंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जुड़ने में, तो सीधे से मैं विषय वस्तु पर ही आ जा रहा हूँ। देखिए, पिछली जो शिक्षा नीति आई थी और अब जो शिक्षा नीति 2020 में आई, लगभग 34 वर्ष का अंतराल रहा। देश में शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नीति की आवश्यकता तो होती ही है। इसके साथ साथ कोई भी सत्ता शिक्षा पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहती है, और उसके पीछे कारण यही है कि वो सत्ता अपने राजनैतिक दर्शन के अनुरूप शिक्षा में परिवर्तन कर सके, जिससे उसकी सोच के अनुरूप व्यक्ति का, समाज का निर्माण किया जा सके। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं, हालांकि वो बहुत अच्छे संदर्भ में नहीं है, लेकिन हिटलर को आवश्यकता महसूस हुई थी कि लोगों के बीच में, जर्मनी की जनता के बीच में नैरो संकीर्ण राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की जाए, और उसी के द्वारा वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकेगा। उसने व्यापक परिवर्तन किए, केवल यही नहीं कि समाज, सामाजिक विषय या अन्य चीजों में, बल्कि विज्ञान, गणित, सबके द्वारा परिवर्तन करके वो अपने लक्ष्य को पाने में सफल। लेकिन इस शिक्षा पर पकड़ के अलावा अगर हम देखें, तो इन 34 वर्षों में, अगर मैं कहूं कि आने में काफी देर हुई इस शिक्षा नीति को, क्योंकि तो इस बीच में समाज में काफी परिवर्तन हुआ, ज्ञान में काफी परिवर्तन हुआ, तो एक नीति की आवश्यकता थी। और साथ ही साथ इस नीति में स्वीकार किया गया है कि लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप एक शिक्षा प्रणाली का विकास करना है, जो कि भारतीय परंपरा और भारतीय मूल्यों के अनुरूप। और प्रारंभ में ही प्रस्तावना में इस बात को कहा गया है, बड़ी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है, जो हमारी चली आ रही है, वही इस नीति का पथ प्रदर्शक है। यानी साफ साफ पहली बार कोई ऐसी स्वतंत्र भारत की, ये चूंकि तीसरी शिक्षा नीति है, और इसमें स्पष्ट रूप से इस चीज को स्वीकार किया गया है कि ये भारत केंद्रित शिक्षा नीति होगी। और इसीलिए प्रारंभ में ही स्पष्ट किया गया है कि जो हमारी प्राचीन ज्ञान की धरोहर रही है, जिसका कि पूरे विश्व में जो भी योगदान रहा है, उसको हमें संरक्षित करना है, सहेजना है, और जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली इसके द्वारा आएगी, उसके द्वारा इसे हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अगर ये कहा जाए कि हमने खास करके ब्रिटिश शासन के दौरान जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो अब तक चली आ रही है, इसने स्वयं की प्रवृत्ति को नकारने की, स्वयं को नकारने की प्रवृत्ति का विकास किया। किसी भी भारतीय योगदान को हम आसानी से नकार दे रहे। अगर मैं कहूं और जो भी पीढ़ी, किसी भी समाज की पीढ़ी,
जो अपने जड़ से कट जाती है, जो अपनी विरासत पर गर्व नहीं करती, वो आगे नहीं बढ़ता। अगर हम देखें तो हमारे पूर्वजों को हजारों वर्षों से ज्ञात था कि बृहस्पति सूर्य का चक्कर 12 वर्ष में पूरा करता है, क्योंकि तो उसी के आधार पर हर 12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होता था। जबकि पूरी दुनिया को, खास करके अमेरिका जैसे विकसित देश को, पिछली शताब्दी में उसका पता चला कि हाँ, ये 12 वर्षों में चक्कर लगाता है। यही नहीं, एक चीज मुझे खास करके अक्सर मैं कोट करता हूं जो मुझे याद आती है, 1976 या 77 का समय रहा होगा, जबकि एक खबर छपी थी। उस समय मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने ही शंकराचार्य की पुस्तक वैदिक मैथमेटिक्स का प्रकाशन किया था और उसकी एक प्रति आईआईटी कानपुर को भेजी गई थी, और कानपुर की आईआईटी की लाइब्रेरी ने यह कह करके उस पुस्तक को लौटा दिया था कि दिस बुक इज नॉट फिट फॉर दिस लाइब्रेरी। लेकिन वो न्यूज छपी थी, उस दूसरा कंटेक्स्ट, उसमें इस चीज का भी वर्णन था। समाचार क्या था कि उस वैदिक मैथमेटिक्स का अध्ययन करके ब्रिटेन के दो एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने कुछ गणनाएं की थी जो उस समय के उपलब्ध कंप्यूटर से कम समय में वो परिणाम प्राप्त हुए और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा परिशुद्धता के साथ वो परिणाम प्राप्त हुए। तो ये चीज जो स्वयं को नकारने की प्रवृत्ति है, उसमें भारतीय ज्ञान जो हमारी ये समृद्ध परंपरा रही है, उसको संजोने, सहेजने और आगे बढ़ाने की बात इसमें की गई है। और निश्चित रूप से ये कार्य शिक्षा के द्वारा ही होगा, कोई और तरीका नहीं। और कुछ हद तक एक छोटा सा प्रयास, अगर चूंकि एनसीईआरटी की पुस्तकों का हमने कोई उस तरह से विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन बच्चों को पढ़ाते समय विज्ञान की कुछ पुस्तकों को देखा है तो उसमें कुछ चीजें जहां पर कि लोगों को मालूम है कि हाँ, ये भारतीय योगदान है, उस पाठ में उसका जिक्र है, लेकिन पाठ की विषय वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि प्रारंभ में ही थोड़ा सा जिक्र आता है। तो वो चीज आम तौर पर बच्चे पढ़ते नहीं, क्योंकि वो उनके मुख्य पाठ वस्तु का हिस्सा होता नहीं। और सहेजने, संवारने और ये करने का काम केवल स्कूल स्टेज से नहीं, बल्कि हायर स्टेज का काम ज्यादा है, और उस स्टेज पर इस चीज को लाने की जरूरत है। अब प्रश्न उठता है, कैसे करेंगे? क्या कोई ब्लूप्रिंट या कोई योजना है? अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, आज एक समाचार जरूर समाचार पत्रों में एक छपा था कि संसद की एक समिति ने इतिहास के पुस्तकों के पुनर्लेखन की बात की। लेकिन केवल इतिहास ही नहीं है, हमारा योगदान साहित्य में, विज्ञान में, गणित में, इन चीजों को परिचित जब तक हम मुख्य रूप से इंटीग्रेट करके नहीं लाएंगे, तब तक ये कार्य नहीं होने वाला है। और ये बड़ा सीरियस कार्य है, कहने को तो कह दिया गया है, सतही तौर पर करने से ये कार्य नहीं होगा। इसके लिए तो जो खास करके उत्तरदायी संस्थाएं हैं स्कूल स्टेज के लिए, एनसीईआरटी, एससीईआरटी या हायर स्टेज के लिए यूजीसी और दूसरी एजेंसी, क्योंकि अगर हम देखें
अपने प्राचीन आर्किटेक्चर को और मंदिरों को देखें तो उस समय न क्रेन थे न कुछ और थे, और उस ऊंचाई तक इतने बड़े बड़े पत्थर और ये सारी नक्काशियां किस तरीके से हुई हैं, इन चीजों को जब तक हम सहेजेंगे नहीं तो इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और जो भी लक्ष्य शिक्षा के द्वारा रखे गए हैं इनको प्राप्त करने के लिए, उसमें एक बड़ा परिवर्तन जो दिखाई पड़ता है शिक्षा की आधारभूत संरचना में परिवर्तन। पहले जो हमारा 10+2+3 सिस्टम था वो अब बदल करके 5+3+3+4 और ग्रेजुएशन के लिए ऑप्शन है कि 3 या 4 साल के लिए। तो जो परिवर्तन ये किए गए हैं, खास करके एक परिवर्तन इसमें से एक संरचनात्मक परिवर्तन जो कि प्री स्कूल एजुकेशन की बात की गई है जिसे कि फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। तो फाउंडेशन स्टेज पर हम कहें कि 3 साल की प्री स्कूल स्टेज और कक्षा 1 और 2 को इसके अंतर्गत समाहित किया गया है। अगर सही ढंग से ये कार्य हो, आगे बढ़े सही ढंग से, मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि तो आगे मैं आऊंगा जिस तरीके के बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी इसे लागू करने के लिए इतने बड़े देश के पैमाने पर, वो आसान कार्य नहीं। अभी तक जो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात थी वो आंगनवाड़ी के द्वारा ये कार्य हो रहा, आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, और उनकी जो दशा है वो हम सबसे बहुत छुपी नहीं है कि किस तरीके से ये सारे कार्य चल रहे हैं। लेकिन जो अगर हम देखें कि किस तरीके से शिक्षा को समानता लाने का साधन होना चाहिए था, इसी शिक्षा के अलग तरह से उपयोग करके संपन्न वर्ग और शहरी वर्ग ये दोनों अपने खास करके ग्रामीण और एक तरीके से साधनहीन वर्ग से समता लाने की बजाय असमानता की खाई बढ़ती जा रही, क्योंकि शहरों में प्री स्कूल एजुकेशन की सुविधा मौजूद है और वहां पर भी वही लोग इस सुविधा का लाभ उठा पाते हैं जो कि साधन संपन्न। और जितने अच्छे स्कूल उतने ही अधिक फीस, जो कि आम आदमी के खर्चे की बूते की बात नहीं है। तो अगर प्री स्कूल एजुकेशन की बात आम तौर पर इस देश के हर बच्चे को सही गुणवत्ता की उपलब्ध हो जाए, क्योंकि इस नीति में ये कहा गया है कि हम प्रारंभिक स्तर पर उच्च गुणवत्ता के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के टीचर्स को तैयार करेंगे प्रारंभिक स्तर पर। तो ये तैयार करने की जो बात की गई है इसकी जिम्मेदारी दी गई है एनसीईआरटी को कि जो अभी वर्तमान में आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो 10+2 हैं उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके, और जो कम क्वालिफिकेशन के लोग हैं उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग दे करके, और ये निश्चित रूप से डिस्टेंस मोड के द्वारा ऑनलाइन मोड के द्वारा ही होगा, लेकिन कितनी गुणवत्तापूर्ण होगी ये चीज, ये प्रश्न विचार करने लायक है। लेकिन ये एक बड़ा स्टेप होगा, और साथ ही साथ अब आंगनवाड़ी वर्कर से हट करके आंगनवाड़ी टीचर्स की बात की जाने लगी है, और निश्चित रूप से इस चीज का हमारे टीचर एजुकेशन से भी एक इसका निहितार्थ है।
टीचर एजुकेशन से निहितार्थ इस अर्थ में है क्योंकि ये कहा गया है कि आगे चल करके जो राज्य सरकारें हैं वो स्टेज स्पेसिफिक प्रोफेशनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स तैयार करेंगी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो एक टीचर्स का नया कैडर होगा हमारे सामने, लेकिन जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के सेंटर्स होंगे इन्हें गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए जिस तरीके से खेल के उपकरण, शिक्षा के उपकरण, जिससे कि बच्चों को वो सीखने की प्रक्रिया, उनको उनके विकसित होने की प्रक्रिया, उनके सही ढंग से व्यवहार सीखने की प्रक्रिया, ये सारी चीजें आनंददायक ढंग से हो सके इसके लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। क्योंकि आज तो अधिकांश रूरल एरियाज में अगर आप देखें तो किराए के भवन में, अपने ही घरों में, जहां सुविधाएं नहीं है, इस तरीके की स्थितियों में ये चीजें चल रही हैं। और उस अगर गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए और सारी चीजें उपलब्ध कराई जाए तो जिस तरीके का खर्च आएगा, मुझे याद आता है खास करके 1986 की पॉलिसी के बाद जिस तरीके से गाजे बाजे के साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी और ये कल्पना की गई थी कि इस देश में प्राइमरी स्कूलों की सूरत इसे बदल जाएगी, लेकिन पहले साल के फंड प्रोवाइड करने के बाद से ही लगातार उसमें कमी आते चली गई और अभी भी बहुत परिवर्तन नहीं आ पाया है उस स्थिति। दूसरा एक क्रांतिकारी कदम खास करके कहा जाए, जो कि इसमें संकल्पना के रूप में, नीतिगत रूप में इस चीज को कहा गया है कि ये चीज लागू की जाएगी, और वो है प्रारंभिक अवस्था में खास करके कक्षा 5 तक क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा जो स्थानीय भाषा होगी उसमें शिक्षा देने का। बड़ी अजीब सी स्थिति इस देश में हो गई थी। सारे मनोवैज्ञानिक, शिक्षा आयोग, सबकी शिक्षाविद, सबकी बात को दरकिनारे करके जगह जगह देखा जाए तो गांव से, शहरों में तो थे ही, गांव देहात में भी कुकर्मुत्ते की तरह सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए, जो कि और गार्जियन भी उसी तरीके से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए दौड़े चले जा रहे थे। तो जब ये चीज नीतिगत रूप में कही गई है कि अनिवार्य रूप से कक्षा 5 तक ये अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी, तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और खास करके मेरे जैसे ऐसे बहुत से विद्यार्थी होंगे जिनकी की मैं अपनी ही थोड़ी सी ये बात करूं तो स्कूल स्टेज तक, खास करके हाई स्कूल स्टेज तक, हम लोगों ने लिखने के अलावा कभी खड़ी बोली का प्रयोग क्लासरूम में भी नहीं किया। अध्यापक पढ़ाते थे, शर्म आती थी, कोई भी बच्चा बोलने की कोशिश करता था तो दूसरे उसे हतोत्साहित करते थे कि अंग्रेजी बोल रहे हो। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब बाहर इंटर में पढ़ने के लिए गए तो आदमी उस लिस्ट, एडमिशन लिस्ट में देख रहा था कि कौन अपने जिले के या आसपास में उस स्थानीय भाषा को बोलने वाले विद्यार्थी होंगे जिनके साथ रहा जा सकता है। तो कम से कम प्रारंभिक स्तर पर बच्चे विद्यालय न छोड़े, सीखने की प्रक्रिया उन्हें आनंददायक लग सके, तो उसके लिए आवश्यक है कि
ये चीज अनिवार्य रूप से लागू हो। और ये कहा भी गया है कि इसे सभी पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में, सहायता प्राप्त विद्यालयों में तो होगा ही, प्राइवेट विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। हालांकि मन में एक संदेह उत्पन्न होता है, खास करके अल्पसंख्यकों को इस देश में, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उन्हें अपने विद्यालय को चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। और कई लोग इसका बहाना ले सकते हैं, भले वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की लैंग्वेज अंग्रेजी ना हो, लेकिन कोई ना कोई, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी अपने को, अपने बच्चों को आगे पढ़ाए रखने के लिए। तो इस पर ध्यान देने की खास करके आवश्यकता होगी कि किस तरीके से क्या ये चीज सही ढंग से लागू हो पा रही है। दूसरी चीज इसी संदर्भ में, चूंकि सारी चीजें विद्यालयी शिक्षा से संबंधित हैं, और इसी नीति में यह अपेक्षा की गई थी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2005 है, उसको 2020 तक अपडेट कर लिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि, मुझे उम्मीद है कि मैं सही हूं, कि अभी तक ये अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं हुई है, ना ही कोई नया करिकुलम फ्रेमवर्क आया है। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो सारा कार्य, जो भी जिस भी परिवर्तन की अपेक्षा है, इस परिवर्तन के केंद्र में अध्यापक को होना है। और इस चीज को स्वीकार भी किया गया है कि इन सारी परिवर्तनों के केंद्र में अध्यापक और उनकी परिस्थितियां होंगी। और इसीलिए ये कल्पना की गई है कि यह जो नीति है, ये इसमें मदद करेगी कि अध्यापन के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में जो लैंग्वेज यूज की गई है, द वेरी बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट कम टू दिस प्रोफेशन। और इसके साथ साथ ये भी चीज कहा गया है कि उनकी आजीविका, उनके सम्मान, उनका आदर, उनकी स्वायत्तता, शिक्षकों की, सबको सुनिश्चित करते हुए प्रणाली में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी को लाया जाए। और बातें तो सही, ये जो पूरी चीज है, इसके कई निहितार्थ निकलते हैं। टीचर प्रिपरेशन कैसे हो, कौन लोग इस प्रोफेशन में आए, और जब आप अपेक्षा कर रहे हैं कि ब्राइटेस्ट इसमें आए, उन्हें क्या इंसेंटिव मिले, क्योंकि ब्राइटेस्ट के लिए तो दूसरे प्रोफेशंस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की राह खुली हुई है। द वेरी बेस्ट के लिए अगर बात करते हैं तो ये दूसरे रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं। सैलरी या दूसरे स्तर पर किस तरीके की इंसेंटिव होगी? फिर अगर ये हम इसी, यहीं पर मैं अगर एक चीज उदाहरण के तौर पर ये कहा जाए, कैसे आएंगे? अभी इसी महीने होने जा रही है बीएड की प्रवेश परीक्षा। बीएड के करिकुलम के लिए शासन ने इस नीति के आने के बाद तेजी दिखाते हुए करिकुलम तो तैयार करा दिया, लेकिन जब परीक्षा परिणाम इस प्रवेश परीक्षा का आएगा तो पूर्व की तरह वही चीजें होंगी,
जीरो या निगेटिव मार्क्स पाने वाले भी बच्चे बीएड में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कट ऑफ नहीं है। क्यों इस तरीके की चीजें हो रही है? एक तरफ तो आपकी अपेक्षा है कि सर्वोत्तम आए इस क्षेत्र में, और आवश्यकता भी है, लेकिन सर्वोत्तम को लाने के लिए उस चीज को धरातल पर उतारना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। हाँ, ये कहा गया है इस नीति में इंसेंटिव देने के लिए कि हाँ, उनको हम स्थानीय क्षेत्र में नौकरी देंगे, बीएड में आने वालों को जो ब्राइट हैं उन्हें ये देंगे, क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप देंगे। तो स्कॉलरशिप के लिए और स्थानीय क्षेत्र में नौकरी मिल जाए, इससे ब्राइटेस्ट आए, उस पर अभी संदेह है। उसके लिए तो कुछ और भी आगे बढ़कर के करना पड़ेगा है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कई टीचर एजुकेशन के पहले प्रोग्राम चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में बीटीसी के नाम से जानते थे, फिर बीएलएड आया, बीएड है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, इंटीग्रेटेड फोर ईयर इंटीग्रेटेड जो एनसीटी ने प्रपोज किया था, इस तरीके के कई प्रोग्राम्स चल रहे थे। अब अगर दूसरी चीज अगर इसके साथ देखी जाए तो स्टेज, हाँ, अब पूरे पॉलिसी में केवल दो प्रोग्राम की चर्चा है। टीचर के सेक्शन में भी बीएड की चर्चा है, एमएड का है, और टीचर एजुकेशन के सेक्शन में केवल बीएड की ही चर्चा है। और वो चर्चा ये है कि केवल अब फोर ईयर बीएड प्रोग्राम ही चलेगा और उसी से निकले हुए लोग ही 2030 से नौकरी के लिए पात्र होंगे। अब यहां पर जैसा मैं समझ रहा हूं इस पॉलिसी को पढ़ने के बाद से, कि अगर सभी स्टेजेस के लिए एक ही प्रोग्राम चले बीएड का भी, तो निश्चित रूप से डिफरेंट स्टेजेस के लिए हमें इस स्टेज स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन लाना पड़ेगा। दूसरी चीज कि अगर सभी स्टेजेस के लिए क्वालिफिकेशन एक ही होगी, यानी प्लस टू के बाद 4 साल का प्रोग्राम चलेगा, चाहे वो प्रिपरेटरी स्टेज हो, फाउंडेशन स्टेज हो, मिडिल स्टेज हो, सेकेंडरी स्टेज हो, तो क्वालिफिकेशन अगर समान है तो उसका एक कॉरोलरी तो ये भी निकलता है कि अगर समान क्वालिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन नहीं तो अंतर है, तो कम से कम सैलरी भी समान होनी चाहिए। इन सारे स्टेजेस में सैलरी के समान होने की बात आनी चाहिए। ये जिस डिफरेंट स्टेजेस पर भी हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास जो पुराने प्रोग्राम चल रहे उसके लिए तो करिकुलम फ्रेमवर्क था, लेकिन अब जो नए प्रोग्राम चलेंगे जिसमें नर्सरी के साथ कक्षा 1 और 2 को भी जोड़ दिया गया है, वैसे ही प्रिपरेटरी 3 साल का है, मिडिल है, क्योंकि पहले कई तरीके की ओवरलैपिंग थी,
नर्सरी टीचर्स अलग थे, डीटीसी किए हुए या डीएलएड किए हुए वो पढ़ा सकते थे कक्षा एक से लेकर के आठ तक को, बीएड वाले भी कक्षा छह से आठ तक को पढ़ा सकते थे, बीएलएड वाले कक्षा छह से आठ को पढ़ा सकते थे। तो ये अगर अलग अलग ये जो क्लबिंग हो रही है, एक साथ अलग किया जा रहा है, तो एक चुनौती भरा काम है इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करना, करिकुलम फ्रेमवर्क। और अभी तक कोई करिकुलम फ्रेमवर्क सामने नहीं आया है, हालांकि अभी इस चीज को टाल दिया गया है, क्योंकि लेकिन साथ ही साथ केवल हम सामान्य शिक्षा में ही भारतीय ज्ञान परंपरा की बात नहीं करेंगे। क्या टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश होगा? क्या ये भारत सेंट्रिक होगा? अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये हमारी शिक्षा नीति 2020 की जो भावना है उसके अलग ये चीज हो। दूसरी चीज जो खास करके टीचर एजुकेशन से संबंधित चीज है कि एक तरफ तो कहा गया है कि केवल फोर ईयर बीएड प्रोग्राम ही चलेगा, हालांकि कैसे क्लबिंग होगी अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आम तौर पर मैं ये मान रहा हूं कि तीन साल का ही कोर्स ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट ये होगा, चार साल के इक्विवेलेंट नहीं होगा, और उसके साथ बीएड का अगर दो साल लिया जाए तो बहुत कोई कॉमन चीज तो है नहीं बीएड की, कोई बीएड के सिलेबस में और बीए और बीएससी या बीकॉम का सिलेबस हो, तो किन चीजों के आधार पर ड्यूरेशन एक वर्ष कम कर दिया जा रहा है ये देखने की बात होगी। साथ ही साथ एक और चीज जिस पर मुझे थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि इस तरीके की बात जब एक बार आ गई कि फोर ईयर बीएड प्रोग्राम ही चलेगा टीचर एजुकेशन में, तो फिर ये प्रोविजन कहाँ करने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए दो वर्ष और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके लिए एक वर्ष का बीएड प्रोग्राम भी चलेगा। हालांकि ये चलेगा वही मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में ही जो एक्रीडिटेड संस्थाएं हैं, कंडीशंस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो फोर ईयर की बात थी उसके लाने के पीछे जो मूल भावना थी, उस मूल भावना के ये थोड़ी सी अलग हो जाएगी। पहली चीज जो हम लोगों के सामान्य अनुभव की चीज है कि किसी भी तरह के इंटीग्रेशन की बात वहां पर, इसीलिए आया ये की बात की गई कि वहां पर इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते हैं, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, चलिए हो रहा है या नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी में कोई एम्पिरिकल स्टडी इस तरीके की नहीं है जो कि फोर ईयर का बीएससी बीएड या बीए बीएड हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट में चल रहे थे और जो हमारा एक साल या दो साल का प्रोग्राम था किसमें क्वालिटी बेटर है, इस तरीके की कोई एम्पिरिकल स्टडी मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर हम मान ले रहे हैं कि वहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है इसीलिए वो लाया जा रहा है, तो फिर इसकी अनुमति देने की आवश्यकता क्या है? दूसरी चीज, निश्चित रूप से आज जो स्थिति है वही स्थिति यहां पर भी आएगी कि
जो और क्षेत्रों से निराश हो चुके बच्चे रहेंगे, कहेंगे कि निराश कि चलते हैं और कोई ऑप्शन नहीं बचा। प्रतियोगी परीक्षाओं को देते देते उम्र बीत गई या बीतने वाली है, तो हाथ में अपने एक और चीज ले लें जिससे कि कम से कम कुछ तो सुरक्षा हमारे पास उपलब्ध रहे। और इस तरीके के जो लोग आएंगे, क्योंकि अंतर तो होगा, जिसने +2 के बाद ये निर्णय कर लिया कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो उसके कमिटमेंट में और इस तरीके के लोगों के आने के कमिटमेंट में अंतर होगा और वो चीज अपने आप में गुणवत्ता को गिराने वाली चीज होगी, ऐसा मेरा मानना। दूसरी चीज कि क्या स्वरूप होगा डाइट्स का, कि क्योंकि ये प्रारंभिक स्तर पर ये प्रशिक्षण और अगर कहा जाए प्री सर्विस और इन सर्विस देने देने के लिए संस्था थी, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से अगर पूरी तरह से लागू हो जाए तो ये पूरी की पूरी चीज हायर एजुकेशन के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएगी। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएगी तो सारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे। और साथ ही साथ केवल यही नहीं होगा, बल्कि अगर कहा जाए तो ये एनसीटी की भूमिका भी बदलने वाली है, क्योंकि तो अब वो रेगुलेटरी बॉडी नहीं रहेगी, उसका कार्य तो केवल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कराना, और इसमें एक जिम्मेदारी दी गई है करिकुलम फ्रेमवर्क अलग अलग स्टेज के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तैयार करना, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड खास करके इसके अंतर्गत नई शिक्षा के नीति के, ये हमारी जो शिक्षा नीति 2020 है इसके अंतर्गत ये बात कही गई है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ये इन सारी चीजों को तैयार करने की जिम्मेदारी एनसीटी की होगी। करिकुलम फ्रेमवर्क पर खास करके स्टेज स्पेसिफिक वो कार्य शुरू हुआ है या नहीं ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के लिए की दिशा में एनसीटी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। और अभी खास करके ये 25 जून को ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कंसल्टेंसी एजेंसी से इन जो इनवाइट किया गया है उन्हें कि वो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स तैयार करें। हालांकि कुछ ही चीजों की बात हमने जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, जो कि खास करके एक जैसी उम्मीद की जा रही है कि ये नीति अगर सही ढंग से लागू हो गई तो देश का भाग्य बदलने वाली होगी, ये तो समय बताएगा। मैं निराशावादी नहीं हूं, लेकिन प्रोफेसर जेपी नायक का एक वाक्य मुझे याद आता है, वी इंडियंस आर गुड प्लानर्स बट बैड इंप्लीमेंटर्स। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज सर आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सर?
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का ये व्याख्यान हम सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टीचर एजुकेशन के अपने देश के, उनके लिए एक आई ओपनिंग सेशन की तरह है कि भविष्य में शिक्षक शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा दिख रहा है शिक्षा नीति के हिसाब से, और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम कैसा होगा, साथ ही साथ किस तरीके से हम शिक्षक शिक्षा को ही नहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था आज के इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर नागेंद्र नाथ पांडे सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से, साथ ही साथ जितने भी प्रतिभागी विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में, शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या इस कार्यक्रम को बाद में सुनेंगे, ये रिकॉर्ड मोड में ये पड़ा रहेगा, हमारे फेसबुक पर भी रहेगा, यूट्यूब पर भी ये आ जाएगा, उन सब की ओर से मैं सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने सर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, हम सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा संबंधी जो विचार या जो नीतियाँ आई हैं उन पर एक आइडिया डेवलप करने के लिए ये आज का व्याख्यान डिलीवर किया है, वो निश्चित रूप से बहुत लाभदायक है। हम भविष्य में भी सर आपसे संपर्क करेंगे और हम जब भी आपसे संपर्क करेंगे हमें पूरी आशा है कि आप हमें एक बार पुनः समय देंगे, आशीर्वाद देंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं और विद्यार्थियों से मैं बताना चाहता हूं कि अगले रविवार एक बार पुनः हम सब लोग मिलेंगे इसी मंच पर और शिक्षा के किसी मुद्दे पर हम लोग किसी एक वरिष्ठ शिक्षाविद के विचारों को, व्याख्यान को सुनेंगे। सर आपसे अनुमति चाहता हूं कार्यक्रम को समाप्त करने की, कृपया अनुमति दें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, आप समाप्त करें। जी सर, तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो इस कार्यक्रम से अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए सूचना यह है कि अब तक इस श्रृंखला में 10 व्याख्यान हो चुके हैं और इन 10 व्याख्यानों में आपने देखा होगा कि हमने कोशिश की है कि हमारे देश के जो अनुभवी शिक्षाविद हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, महत्वपूर्ण संस्थाओं के दायित्व जिनके पास रहे हैं, शिक्षा संकाय, शिक्षा विभाग का संचालन जिन लोगों ने किया है, एक लंबा अनुभव जिनके पास है, उनके विचारों से, उनके व्याख्यानों के माध्यम से आपको शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के जरूरी मुद्दों से हम जागरूक करा रहे हैं और ये हमारी कोशिश जारी रहेगी। जैसे ही हमें किसी भी विशेषज्ञ का, शिक्षाविद का समय प्राप्त होता है, हम आपके बीच एक व्याख्यान, एक कार्यक्रम लेकर के रविवार की शाम को 5 बजे उपस्थित होते हैं, आप सभी जुड़ते हैं और आप सभी की प्रतिभागिता, आप सभी के जो भी कमेंट हैं चैट बॉक्स में, हम सभी आयोजकों का उत्साहवर्धन करते हैं। इस तरीके से आप कार्यक्रम से जुड़ते रहें,
कार्यक्रम में सहभागिता करते रहें और हमें लिखते भी रहें कि आपको कैसा लग रहा है, क्या हम अपने कार्यक्रमों में बदलाव करें, किस तरीके से हम इसको और बेहतर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।